आप लोग भी सुबह से शाम भगवान के बगैर जीते ही नहीं। आप लोग करते हैं इसीलिए पॉलिटिशियन आपसे बढ़ के आपको चुतिया बना। चुतिया टाइप का ही काम नहीं इस कंट्री में कर रहे। 1.2% के पास 99% डॉलर और रेस्ट जो दौलत है वो 7% नौकरी। पढ़ते हैं साइंस, एग्जाम देने हनुमान पे जाकर के लड्डू चढ़ा के तब जाते हैं। छोड़ दीजिए, आप लोग भी सुबह से शाम भगवान के बगैर जीते ही नहीं। भैरव बाबा को शराब, उससे नहीं मिला तो शनि को सरसों तेल, उससे नहीं मिला तो भोला बाबा को दूध, उससे नहीं मिला तो दुर्गा को बलि। ये पॉलिटिशियन करता है कि आप लोग भी करते हैं? आप लोग करते हैं इसीलिए पॉलिटिशियन आपसे बढ़ के आपको चुतिया बनाता है। हम लोग चुतिया टाइप का ही काम नहीं इस कंट्री में कर रहे हैं। कौन अच्छा काम करते हैं जरा से एक उठो का अच्छा काम का नाम बता दीजिए। एक अच्छा काम का नाम बताइए, एक सिंगल। सर सबसे बड़ा और अच्छा काम क्या है? एक फैमिली की जिंदगी को जीने, उसके अधिकार के साथ चलने, उसकी फ्रीडम, उसकी इकोनॉमी, उसकी लाइफ को पीस और सर्टेन रखना। इस कंट्री का 1.2% और 7.2% लोग, 1.2% के पास 99% डॉलर और रेस्ट जो दौलत है वो 7% लोगों के पास। उसके बाद एक आदमी का नाम बता दीजिए जो अभाव में और डरा हुआ समाज ना हो। अभाव में जीने वाला आदमी और डरा हुआ आदमी कैसे पीस लाइफ जिएगा? जब हमको डर होगा भीतर में कि हम अपनी माँ का इलाज कैसे करावें, हमारी बीवी को एक ढंग की लाइफ कैसे दें, हमारी बेटी का क्या होगा, हमारे बच्चों को 4 कपड़े होंगे कि नहीं, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं, तो ये अनसर्टेन है ना हमारी लाइफ। हमारी बेटी निकलेगी तो क्या होगा, मेरा पिता लौटेगा कि नहीं, मेरा भाई लौटेगा कि नहीं, मेरी बहन लौटेगा कि नहीं, अनसर्टेन है कि नहीं। लेकिन जर्मनी में, जापान में कोई अनसर्टेन नहीं। जर्मनी बात क्या करता है भैया? जर्मनी बात करता है एनवायरमेंट की। ए भैया रुको, जर्मनी बात करता है एनवायरमेंट की, लंदन बात करता है वाटर की, कि इस व्यक्ति को दुनिया का खूबसूरत वाटर कैसे मिलेगा ताकि इनको कोई बीमारी ना हो। हवा की बात करता है इंग्लैंड कि इसको एनवायरमेंट कैसे मिलेगा। यूरोप बात करता है 2 लाख है तो 3 लाख कैसे बढ़ाएंगे। लंदन बात करता है जीने की और भारत बात करता है हिंदू मियाँ की, बैकवर्ड फॉरवर्ड की, राजपूत ब्राह्मण की, भूमिहार लाला की, तेली की, चौधरी की, हनुमान चालीसा की। आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं साइंस, एग्जाम देने हनुमान पे जाकर के लड्डू चढ़ा के तब जाते हैं, तो आपके बारे में हम क्या ओपिनियन बनावे? विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति यदि हनुमान में जाकर के लड्डू चढ़ावे, इसका मतलब आप ना तो जीनियस है ना तो इंटेलिजेंट।